जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, आगे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ में भारी गिरावट। तो जैसा कि आप लोग जो सबसे पहले प्राइमरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी में जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं तो उसमें भी गिरावट होंगे ही, और आगे बातें भी स्पष्ट करने वाले हैं इसके लिए क्या क्या अभी भी जरूरी है। और रिजल्ट में आप लोग देख रहे होंगे व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी, तो व्यापक पैमाने पर जिसका रिजल्ट आ गया है उसी के बारे में बात कर सकते हैं। और बाकी जो विषय हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो जानकारी दिए हैं बीपीएससी अध्यक्ष ने की पुष्टि, तो बीपीएससी अध्यक्ष जैसा कि जानकारी दिए हैं आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट जो अभ्यर्थियों को एक से अधिक रिजल्ट देकर जो है रिक्ति जो है वैकेंसी को क्यों बर्बाद की जा रही है, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए तो इसके जवाब देख सकते हैं आप लोग। अभ्यर्थियों को एक से अधिक रिजल्ट दिया गया है ताकि डीवी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए, तो इस टाइप के जो आंसर मिले हैं। तो इसका मतलब क्या बना है, तो इसका मतलब यही बना कि जो डीवी में ये बातें की गई हैं, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो लिए गए थे, डीवी हुए भी हैं एक तरह से, जो संक्षेप में कहा जाए कि जो डॉक्यूमेंट लिए गए थे जो फोल्डर करके, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो ऊपर के बिंदु से साफ स्पष्ट होता है, अगर डॉक्यूमेंट की जांच सघनता से होती तो एक से अधिक परिणाम की जरूरत नहीं थी। तो जी बिल्कुल, यदि डॉक्यूमेंट यदि पूरे डॉक्यूमेंट की जांच यदि हो जाती तब तो जरूरत नहीं थी, तो ये भी बात तय है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट की जांच देखना होगा कहाँ तक हो सका है। एक तो है कि जो स्टेट धोनी सर्टिफिकेट ना हो उसको तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो ये योग्य नहीं है, जो स्टेट धोनी सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको देखा जा सकता है। और बीएसईबी के द्वारा जो संपर्क करते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक का इससे पुष्टि की जा सकती है आसानी से। इसके अलावा जो 2019 के बाद जो कोई भी क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं, जो शैक्षणिक योग्यता दिया गया है जो उस पद के लिए, तो उसे भी आराम से उसका भी हो सकता है। और बाकी जो है सीएस में जो 9 प्रकार के क्वालिफिकेशन हैं, तो इसके लिए जो सीएस में जो बात करें तो कंप्यूटर साइंस उसे में जो कंप्यूटर विशेषज्ञ की जो था इस पर बहुत दिन पहले भी बातें किए हैं, तो क्या इसके लिए कुछ उपाय किए गए थे या फिर नहीं किए गए, अगर ऐसा उपाय नहीं होता है तो जान सकते हैं। तो ऐसे में तो यही बातें हैं। तो ऐसे में तो सेकेंड लिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, या फिर जो इसकी बात करें तो जो तो इसे भी पड़ जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो डीवी और रिजल्ट के बीच में समय दिया गया है, समय तो लगेगा ही डीवी के लिए। यदि डॉक्यूमेंट की जांच यदि सघनता से की जाए, दूसरे राज्य में भी बहुत सारे अभ्यर्थी डिग्री प्राप्त किए हैं कंप्यूटर साइंस उसे हो या फिर जो अन्य विषय हो, तो दूसरे राज्य जाकर भी देखना होगा, और इस तरह से तो काफ़ी समय लग जाते हैं। और डीवी में यदि उतना समय नहीं भी दिया गया है, अभी की बात करें तो अभी भी के अनुसार जो उतने दिन से जो डीवी पहले हुए थे और इतने रिजल्ट की बात करें तो इसमें भी काफ़ी समय बीच में गैप हो जाते हैं, तो इस बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है जो उद्देश्य है वो भी बदल सकता है। इसके अलावा जो बहुत सारे अभ्यर्थी का अन्य कुछ अभ्यर्थियों का अन्य जॉब भी हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ अभ्यर्थी का जो प्लान है ये भी बदल सकता है कि जो उन्हें जहां पर जॉब कर रहे हैं वहीं रहना है, तो इस टाइप के तो ऐसे में तो पद रिक्त रह सकते हैं। तो इसके लिए भी जो सेकेंड लिस्ट तो हर हाल में जो दोबारा देने की जरूरत है ही, सेकेंड लिस्ट हो या फिर जो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो ऐसे में जरूरत पड़ती ही है, चाहे डी भी यदि बहुत अच्छे तरीके से ही क्यों हो इसके लिए भी जरूरत पड़ ही जाती है। लेकिन यहाँ पर तो डीवी में भी जो कंफ्यूजन बना हुआ है, कारण है कि जो आप लोग देख सकते हैं जो कारण की बात करें तो कारण ये है कि जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंफ्यूजन का सबसे प्रमुख कारण ये हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, जो बीपीएससी अध्यक्ष के माध्यम से जो भी बातें निकल कर सामने आई, तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कारण है कि जो डॉक्यूमेंट की यदि अच्छा से यदि डॉक्यूमेंट की सघनता से जाँच हो जाती है तो
तो एक ही रिजल्ट की जरूरत पड़ती, एक से अधिक रिजल्ट जो प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी के लिए एक से अधिक रिजल्ट एक अभ्यर्थी का तो देने की जरूरत पड़ती नहीं यदि डॉक्यूमेंट की जाँच हो जाती। और उसमें भी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी बहुत सारे अभ्यर्थी का जो अन्य जॉब या फिर कुछ भी हो जाता है या फिर प्लान बदल जाता है कि जो इसमें जॉब नहीं करने का प्लान बनता है, तो ऐसे में भी सेकंड लिस्ट की तो ऐसे भी जरूरत पड़ती ही है। तो ये भी बातें हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से तो ये बातें कर चुके हैं, वेटिंग लिस्ट ये सब के लिए जो या फिर जो बीच में अभ्यर्थी को इसमें नहीं आने का जो है उद्देश्य हो तो ऐसे में भी जरूरत पड़ती ही है सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट। अब आगे देख सकते हैं, अगर प्रतीक्षा सूची से या सेकंड लिस्ट से भरे जाने की बात रहती किसी भी विषय में तो रिक्त रहने पर तब मान लेते कि रिक्तियों को बर्बाद करने का इरादा नहीं है अध्यक्ष जी का, बीपीएससी अध्यक्ष जी का। कारण है कि जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में या राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। तो ये राज्य सरकार पर सौंप रहे हैं, डिपेंड करवा रहे हैं राज्य सरकार पर, तो इससे तो माना जाएगा जो एक से अधिक यहाँ पर रिजल्ट दिए हैं तो इसमें तो बर्बाद करने की बात है ही। इसके अलावा जो सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट की भी जांच नहीं पूरी तरह से सघनता से होती तो इसे एक से अधिक रिजल्ट की जरूरत पड़ती नहीं, तो ये भी बातें हैं। तो बर्बाद के लिए यदि कहा जाए तो अध्यक्ष जी का तो इरादा इससे तो स्पष्ट होता है कि जो बर्बाद ही हो रहे हैं और ये राज्य सरकार पर सौंप रहे हैं, अपने पर लेते तो मान सकते थे लेकिन ये राज्य सरकार पर सौंप रहे हैं तो बर्बाद तो यदि अभ्यर्थी कह रहे हैं बर्बाद किया जा रहा है वैकेंसी को, अगर योग्य अभ्यर्थी के रहते हुए ही यदि अगले चरण में जो बैकलॉग बनाकर देने की बात की जाए तो रिक्ति को बिल्कुल ही बर्बाद किया जा रहा है और बिना मतलब का जो अभ्यर्थी का जो इतना समय भी व्यतीत हुए हैं और 4 साल अभ्यर्थी के बीत चुके हैं। अब आप लोग नीचे देख रहे होंगे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट पर नाश्ता भुजा चिप्स पापड़, तो बात है जो फोटोकॉपी भी लिए गए थे दो फोल्डर में लिए गए थे फाइल माने तो फाइल में लिए गए थे और इस एक शिक्षा विभाग के लिए था और एक बीपीएससी के लिए था। अगर डॉक्यूमेंट की जांच पहले बीपीएससी स्तर से हो जाती उसके बाद शिक्षा विभाग स्तर से हो जाती तब तो एक से अधिक रिजल्ट देने की तो जरूरत नहीं पड़ती। कारण है कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के डॉक्यूमेंट की जाँच यदि सघनता से हो जाती तो हो सकता है अन्य विषय में भी डॉक्यूमेंट की जांच अन्य विषय में नहीं किए गए हों, और कारण है जो अभ्यर्थी की संख्या कम थी अन्य विषय में तो नहीं किए गए हों और सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस उसे में जो जरूरत थी, इसके अलावा जो सोशल साइंस उसे में भी क्वालिफिकेशन का मामला यही दो विषय में अधिक है और कंप्यूटर साइंस विषय में काफ़ी अधिक है। कंप्यूटर साइंस विषय में कारण है कि जो उसमें 9 प्रकार के क्वालिफिकेशन हैं तो ये भी क्वालिफिकेशन को चेक किया गया या फिर नहीं किया गया, जो अन्य राज्य जाकर भी चेक करना है तो ये समय तो काफ़ी समय लगते हैं, तो लगता है कि उतना जो व्यापक पैमाने पर डॉक्यूमेंट की जाँच नहीं हुई होगी। तो ये भी लग रहा है अनुमान यही कि जो 9 प्रकार के क्वालिफिकेशन हैं अन्य राज्य से भी बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी डिग्री प्राप्त किए होंगे तो इतना चेक इतना कम समय में नहीं संभव लग रहा है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि जो एक से अधिक रिजल्ट सभी विषय का दिया गया हो, सभी विषय में भी अन्य राज्य से डिग्री प्राप्त किए हों तो इस कारण से भी जो अन्य राज्य में भी जाकर डॉक्यूमेंट चेक करने में समय लगेंगे। तो ये सब तो बात सही है जो एक से अधिक रिजल्ट दिए गए हैं तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो सेकेंड लिस्ट की तो जरूरत है ही। सेकेंड लिस्ट हो या फिर जो वेटिंग लिस्ट हो इसका प्रावधान जो बीपीएससी अध्यक्ष हो अपने पर लेना चाहिए कि जो इसके लिए प्रावधान के लिए सोचा जाए विचारा जाए। तो ये करने के लिए राज्य सरकार पर डिपेंड की बातें आ जाती है। तो यहाँ पर तो अभ्यर्थी मानेंगे कि जो बीपीएससी अध्यक्ष जो कैंडिडेट को एक से अधिक न देकर जो वैकेंसी को बर्बाद करने जैसी बातें हैं तो ऐसे में तो अभ्यर्थी मानने लगेंगे। वैसे यदि ये जो बीपीएससी अध्यक्ष कहते वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगे या फिर सेकेंड लिस्ट जारी किए जाएंगे तो ऐसे में नहीं कोई अभ्यर्थी कह सकते कि जो आप वैकेंसी को बर्बाद कर रहे हैं योग्य अभ्यर्थी के रहते हुए। तो ये भी कारण है इस टाइप के सवाल पूछे जाने कारण कारण है कि जो राज्य सरकार पर ये सोच रहे हैं कि राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए, जब राज्य सरकार से भी ये आपस में ही जो मीटिंग ये सब करके इसके बारे में जो ये समाधान करवा देते हैं तब माना जाता कि जो बीपीएससी अध्यक्ष का इरादा साफ है स्पष्ट है और बर्बाद नहीं करना चाहते हैं वैकेंसी को,
तब स्पष्ट होता। और 4 साल बीत चुके हैं तो अभ्यर्थियों को के साथ साथ बीपीएससी अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए, काफ़ी समय लगे इसमें, तो 4 साल अभ्यर्थी के समय भी बर्बाद हुए हैं। तो ऐसे में जो 4 साल से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं तो इस सब के बारे में सोचा जाना चाहिए, और सेकेंड लिस्ट हो या फिर जो वेटिंग लिस्ट हो इसका प्रावधान भी हो साथ साथ।